चलिए, जो मैंने अभी आपको जस्ट इसके पीछे जो वीडियो था, छोटा सा एक वीडियो हमने दिया था, उसमें सिक्स क्वेश्चन मैंने बताया था, सिक्स का एक, और आगे में जितने भी सेवन्थ हैं, नाइन्थ है, टेंथ है, उन सब में आपको जो करना है वो मैं जो पीछे वीडियो बता रखा हमने, इंट्रोडक्शन आपको ट्रांसपोजिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोजिंग जितने हमने करवाए हैं उसी बेस पर सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको सारे हो जाएंगे जब आप ध्यान से आप पढ़े होंगे तो, ठीक है। और मैं एक बताता हूं, एलेवंथ देखिए, एलेवंथ में क्या है कि आपको गिवन है टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर, आपको दो मैट्रिक्स ए एंड बी है और उसका ऑर्डर क्या है, सेम है, ओके। तो ये ए बी माइनस बी है, ध्यान दीजिए, ये जो ए बी माइनस बी है इसको बताना है, ऑप्शन है, ऑप्शन ले, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, ये क्या होगा, इनको बताना है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, बहुत आसान है, ये जो आपको दिया है ए बी माइनस बी ए है ना, ये भी मैंने जो बी ए दिया है आपको उसको देखना है कि हमने क्या करना है, तो इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, क्या करेंगे जिसको, पहले ट्रांसपोज करिए, ठीक है। तो जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि जब माइनस हो या प्लस हो ट्रांसपोज इस पर आता है, तो आपका ये ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज हो गया, ओके। अब ये मल्टीप्लाई है तो ट्रांसपोजिंग आप जानते हैं, जब आप ट्रांसपोजिंग करते हैं तो क्या होता है, इसमें जब भी आप ट्रांसपोजिंग करते हैं तो ये ट्रांसपोजिंग क्या आता है, इस पर आता है, ये ए पर आ जाएगा और बी पर आ जाएगा, है ना जी, ठीक है, ए पर। तो जो हम करेंगे, लेकिन इंटर क्या होता है, बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपका ए बी का ट्रांसपोज ए नहीं कि ए डैश बी डैश हो गया, ऐसा नहीं होता, क्या होता है इसमें कि बी डैश इंटू में ए डैश हो गया माइनस, यहाँ भी क्या होगा, ए पहले आ जाएगा ए डैश एंड बी डैश हो जाएगा, ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ यहाँ क्या हो गया, बी डैश और ए डैश, यानी ये जो बी ए है पहले आ गया हमने ए बी, तो अगर ए बी को हम पहले करना चाहते हैं तो क्या होगा जी, इसे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जैसे माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए डैश और क्या हो जाएगा, बी डैश, ओके। और क्या होगा, माइनस ए माइनस में आ जाएगा बी, बी डैश एंड क्या होगा, ए डैश, ध्यान दीजिए आपके पास क्या था कि ए बी माइनस बी था, ए बी माइनस बी था, लेकिन यहाँ भी ए बी और ए बी माइनस बी आया, लेकिन दोनों का क्या हुआ है, दोनों में क्या गया यहाँ पर, आपको दोनों में डैश, यानी दोनों का ट्रांसपोजिंग हो गया, लेकिन लेकिन माइनस बाहर आ गया, लाइक क्या कि आप जानते हो कि जब ए का आप ए ट्रांसपोज करते हो, अगर माइनस ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ही आ गया, क्या कहें अभी कि जब ए का ट्रांसपोज करते हो आप और माइनस ही आ गया, है ना, तो माइनस ए आ गया तो क्या होता है, ये जब माइनस ए आता है तो कौन सा मैट्रिक्स होता है, आप जानते हो एसक्यू होता है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो चीज़ यहाँ भी हो गया है कि यहाँ भी माइनस आ गया है, जिसको क्या हो गया कि आपका जो ए बी माइनस जो बी ए हो गया, इस क्या है, एसक्यू एसक्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक ध्यान दीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया है, मैट्रिक्स है ना, ये आपका आंसर आ गया है कि ये आपका एसक्यू सिमेट्रिक जो ए बी माइनस बी ए था वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि इसमें माइनस कॉमन आ गया, लाइक दिस ए डैश इक्वल टू माइनस ए है ना, ए डैश इक्वल टू क्या आता है, माइनस ए आता है, ओके, जब डैश करते हैं माइनस ए आ गया है ना, तो क्या होता है सिमेट्रिक, अगर ये प्लस आया होता तो क्या होता, तब क्या होता है यहाँ पर, तब आपका ये आता क्या, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता, ठीक है यहाँ पर, ओके। चलिए तो ये आपका सॉल्व हो गया है, आपने देखा कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया ये, है ना। अब हम मैं आपको एक अब ट्वेल्थ बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, बस इस एक्सरसाइज का मैं ट्वेल्थ बताने जा रहा हूँ, 3.3 है ये। तो आपको इसमें क्या कह रहा है कि ए इक्वल टू दिया हुआ, इसमें क्या है जी, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड क्या यहाँ पर है, कोस अल्फा, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है, इसमें ये भी गिवन है कि सच डेट ए प्लस ए डैश,
ये प्लस ए डैश कह रहे इक्वल टू आई है, आई है जिन क्या करना है, जिन कहना कि टू फाइंड करना है आपको वैल्यू ऑफ अल्फा क्या हो फाइंड करना आपको। ये ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई है, वैल्यू हमने फाइंड करना है अल्फा का, कि अल्फा क्या होगा जो एंगल है यानी इसका एंगल फाइंड करना है कितना होगा। यहाँ भी देखिए ऑप्शनल है, ऑप्शन दिया हुआ, और आप जानते हैं कि अब जो एग्जाम हो रहे हैं बोर्ड में वो ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। ऑप्शनल आपका आ रहा है जो 20 के जो क्वेश्चन आने हैं वो ऑप्शनल आते हैं, ठीक है, तो बहुत इसलिए ऑप्शनों को पढ़ना है। मान लीजिए अगर ऑप्शन हटा दिया गया तो भी कह सकते हैं कि फाइंड करो अल्फा, अल्फा कितना होगा, व्हाट वैल्यू ऑफ द अल्फा, ओके। तो सॉल्यूशन देखिए, ध्यान दीजिए, चलो ए डैश यहाँ पर है तो हमारे पास क्या है कि ये तो गिवन है, ये क्या गिवन है जी, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा, और क्या है यहाँ पर कॉस अल्फा, ओके, है ना। तो हमने ए डैश फाइंड करना होगा, ए डैश यानी ट्रांसपोज करना है, तो पता है हीरो को क्या करना, कॉलम बना देना है, तो कॉस अल्फा और ये क्या जाएगा माइनस साइन अल्फा, ओके, और सेकंड को सेकंड कॉलम बना दो तो साइन अल्फा एंड क्या है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, ओके। तो क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायगोनल है वो तो सिम रहता है, वही चीज़ हुआ सिम हो गया है, ठीक है, ओके। चलिए ध्यान दीजिए, और अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने क्या करना है, ए प्लस ए करना है, ए प्लस ए डैश, है ना। तो क्या होगा, ये हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास कॉस अल्फा, ये प्लस ए डैश आप लिख सकते हो, आई भी है साथ में, तो कॉस अल्फा ये है, और माइनस क्या है जी साइन अल्फा, ये क्या है साइन अल्फा, और यहाँ क्या है कॉस अल्फा, ध्यान दीजिए, प्लस प्लस में क्या ए डैश है, प्लस में ए डैश क्या आया था हमारे पास कॉस अल्फा ही था, बट यहाँ क्या हो गया था साइन अल्फा प्लस में आ गया था, और यहाँ उल्टा हो गया, ये साइन अल्फा माइनस में आ गया पर, और ये क्या हो गया हमारे पास कॉस अल्फा, ध्यान दीजिए, ठीक हुआ। चलिए और इक्वल टू क्या आई, आई क्या, अब ये देखिए ऑर्डर यहाँ क्या है, टू ऑर्डर है यानी टू क्रॉस टू का है, तो यहाँ 1 0 0 1 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स था इक्वल टू में। चलो इनको प्लस करिए आप, ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉस और कॉस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर कॉस प्लस कॉस करेंगे टू कॉस आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन और साइन, ध्यान दीजिए माइनस क्या है माइनस साइन यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है ये साइन यहाँ पर है, तो माइनस साइन साइन यानी क्या जीरो बचेगा, मैं जीरो लिखूंगा डायरेक्ट, ध्यान दीजिए, फिर यहाँ भी साइन माइनस साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो, है ना, और यहाँ कॉस और कॉस भी प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा ये टू कॉस अल्फा, ध्यान दीजिए, ओके, ये लो। चलिए अब बीच में क्या इक्वलिटी है यानी इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर दो, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर टू कॉस अल्फा इक्वल टू वन, अगर यहाँ से करेंगे तो वही चीज़ बनेगा टू कॉस अल्फा इक्वल टू वन, सेम चीज़ बनेगा, आप यहाँ भी आप दो ले सकते हो नो प्रॉब्लम, आप भी लो इक्वल टू वन, एक बात है, तो यहाँ जब हम कॉस अल्फा निकालना है तो वन बाई क्या टू आ जाएगा, है ना। अब देखना है वन बाई टू कॉस कितनी डिग्री की वैल्यू वन बाई टू होता है, ये देखना है कितनी डिग्री की वैल्यू वन बाई टू होता है, तो आप जानते होगे कि साइन में जब चलते हैं तो 30 डिग्री क्या होता है यानी पाई बाई सिक्स होता है वन बाई टू, लेकिन कॉस में क्या होता है पाई बाई थ्री यानी 60 डिग्री होता है, ओके। तो आप लिखोगे यहाँ पर कि कॉस अल्फा इक्वल टू क्या कि कॉस पाई बाई कितना थ्री यानी 60 डिग्री इक्वल टू कितना वन बाई टू, देयरफॉर क्या हो गया अल्फा कितना हो गया जी अल्फा हो गया पाई बाई थ्री, है ना, ये आपका आंसर हो गया कि अल्फा की वैल्यू कितना हो गया पाई अपन थ्री। अगर ऑप्शन आप लोगे इसमें जो ऑप्शन दिया आपके बुक में तो आपका आंसर क्या है आपका बी आपका आंसर है ये, ठीक है, तो ये आपका ये सॉल्व हो गया है, ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन था ट्वेल्थ का। तो अब मेरे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको 3.3 में कुछ भी हो कभी भी क्वेश्चन हो किस तरह से भी कहीं किसी बुक से हो तो आपको इसमें प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, अगर प्रॉब्लम होगा तो आप नोटिफिकेशन में बताएंगे मैं आपको सॉल्व करूँगा आगे भी, ठीक है। बट अब मैं जो नेक्स्ट हमारी वीडियो है इसके आगे उस वीडियो में आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं आपको यही बताता हूँ कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर है ना, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा और इसमें आप ये भी पढ़ोगे रूल्स पढ़ेंगे और मैं इसमें बताऊँगा आपको
बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, बहुत ही आप आसान तरीके से सीख जाओगे, आप कर लोगे, और मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, ट्रिक्स भी, ठीक है, इसमें कि कितने आसान से, जबकि बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर इस मैट्रिक्स में है, कोई मुश्किल अगर बच्चों को लगता है तो वह एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, एलिमेंट्री ऑपरेशन है, बस ये एक मुश्किल लगता है, बाकी तो मैट्रिक्स क्या है, कुछ भी नहीं है, सब आसान है ना। तो लेकिन जब आप हमारी वीडियो को देखेंगे, आप पूरी वीडियोज को देखते चलेंगे देखेंगे तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत ही आसान, बहुत ही आसान दिखेगा, और मैं इतनी अच्छी तरीके से बता दूंगा आपको कि एक दो क्वेश्चन में देखते ही आप जितने भी क्वेश्चन, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो या 50 हो, सब के सब अपने आप ही बहुत आसानी से करेंगे आप, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और मैं ये भी बताऊँगा कि आपका जो लास्ट में आंसर आया है उस आंसर को कैसे आप चेक करोगे कि आपका आंसर सही है गलत है, पीछे आपको बुक्स में कोई देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, खुद ही आप चेक कर लोगे कि आपका आंसर गलत है या सही है, ठीक है। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहें। मैं आपका टीचर संजय सिंह वर्मा, मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से बताऊँगा, और आप जब देखेंगे मेरी वीडियो को और एलिमेंट्री ऑपरेशन से जब इन्वर्स फाइंड करना आप सीख लेंगे, बहुत आसानी सीखेंगे, तो फिर आपको सबसे अच्छा जो आपको मुश्किल लगता होगा और सबसे आसान एलिमेंट्री ऑपरेशन से लगेगा, और आपको करने में भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, मन लगेगा, और कहें कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तो मैं यूँ कर लूँगा, ठीक है। तो इसलिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी आप देखिए जिसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन मैं बता रहा हूँ।